नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। ओडिशा ने कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। पंचायती राज मंत्रालय ने स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। भूमि संसाधन विभाग ने असम में भूमि अभिलेख प्रबंधन पहलों की शुरुआत की। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उचित मूल्य की दुकानों के कायाकल्प पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक संसदीय समिति ने खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के निर्माण और विस्तार योजना पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत के प्रधानमंत्री की यूएई की यात्रा के दौरान बीआईटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बीआईटी का उद्देश्य हस्ताक्षर करने वाले देशों द्वारा अपने अपने राज्य क्षेत्रों में एक दूसरे के विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। यूएई भारत के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी सीईपीए और बीआईटी दोनों पर हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है। इससे पहले भारत ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ सीईपीए तथा बेलारूस के साथ बीआईटी संपन्न किए हैं। सीईपीए के तहत सेवाओं के व्यापार और निवेश तथा बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर समझौते को शामिल किया जाता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और यूएई के साथ किए गए अन्य प्रमुख समझौतों पर भी एक नजर डालते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के सशक्तिकरण और संचालन में सहयोग से संबंधित अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौता किया गया है। आईएमईसी एक प्रस्तावित परियोजना है। इसके तहत भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए समुद्री भूमि मार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। दोनों देशों ने त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म को जोड़ने हेतु समझौते किए हैं, जैसे यूपीआई भारत की तरफ से और एएनआई संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से, तथा घरेलू डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसे रुपे भारत की तरफ से व JAYWAN संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से। इससे बिना बाधा के सीमा पार लेन देन की सुविधा मिलेगी। साथ ही पूरे संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड की सार्वभौमिक स्वीकार्यता बढ़ेगी। यूएई के राष्ट्रीय पुस्तकालय और अभिलेखागार तथा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बीच सहयोग प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य अभिलेखीय सामग्रियों की प्राप्ति और उनका संरक्षण करना है। खबर के आखिर में भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों पर भी चर्चा कर लेते हैं। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश है तथा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। दोनों देशों के बीच कुल $85 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। हाल ही में भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG की आपूर्ति के लिए दोनों देशों ने दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं और दोनों देशों के बीच डेजर्ट साइक्लोन नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की तरफ। ओडिशा ने कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS घोषित किया। इससे पहले ओडिशा ने मंदसरू, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन को BHS के रूप में नामित किया था। सबसे पहले बात करते हैं गुप्तेश्वर वन के बारे में। यह स्थल गुप्तेश्वर शिव मंदिर के नजदीक है। ये मंदिर चूना पत्थर से बनी प्राकृतिक गुफा में स्थित है। इसके महत्व की बात करें तो यह स्थल पीढ़ियों से स्थानीय समुदाय द्वारा पूजनीय पवित्र उपवन और समृद्ध जैव विविधता से युक्त है। यहाँ की प्रमुख जीव जंतु प्रजातियां हैं मगर क्रोकोडाइल, कांगेर घाटी रॉक गेको, साधारण पहाड़ी मैना, सफेद पेट वाला कठफोड़वा, बैंडेड बे कोयल आदि। और प्रमुख वनस्पति प्रजातियों की बात करें तो यहाँ इंडियन ट्रम्पेट, इंडियन स्नेक रूट, कुंभी गम, गार्लिक पियर जैसे औषधीय पादप पाए जाते हैं। हालांकि ये पादप अब संकटग्रस्त हैं। अब BHS के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। BHS विशिष्ट परिस्थितिक तंत्र है।
ये अपने कुछ महत्वपूर्ण घटकों के साथ जैव विविधता के मामले में समृद्ध होता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व वाले क्षेत्र को BHS के रूप में अधिसूचित कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार केंद्र सरकार के परामर्श से BHS के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बना सकती है। BHS घोषित हो जाने से स्थानीय समुदायों द्वारा उस क्षेत्र में निर्धारित प्रथाओं के अलावा प्रचलित प्रथाओं और उपयोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। BHS में एक या अधिक घटक हो सकते हैं, जैसे कि वन्य प्रजातियों के साथ साथ घरेलू बना ली गई प्रजातियों या इंट्रा स्पेसिफिक श्रेणी वाली प्रजातियों की प्रचुरता, उच्च स्थानिकता, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों, किस्टोन प्रजातियों, क्रमिक विकास वाली प्रजातियों आदि की उपस्थिति, घरेलू या कृषि प्रजातियों या उन किस्मों की वन्य प्रजातियां, और पूर्व में अधिक महत्व वाले जैविक घटक जो जीवाश्म के रूप में उपलब्ध हैं और जिनका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, नैतिक या सौंदर्यात्मक मूल्य है। चलिए अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। पंचायती राज मंत्रालय ने स्मार्ट ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य बिहार के बेगूसराय जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी PM वाणी सेवा का विस्तार करना है। प्रोजेक्ट को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के उद्देश्यों के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को समाप्त करना और स्थानीय स्वशासन में जवाबदेही एवं दक्षता को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देना, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और साथ ही रोजगार का सृजन करना और लघु व मध्यम उद्यमियों की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य आय में वृद्धि करना। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण से देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि भी होगी। आपके जानकारी के लिए बता दें कि PM वाणी योजना को 2020 में दूरसंचार विभाग ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल संचार अवसंरचनाओं का बेहतर तरीके से विकास सुनिश्चित हो सकेगा। PM वाणी प्रणाली को कुछ अलग अलग समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा, जैसे कि पब्लिक डाटा ऑफिस यानी PDO, ये केवल PM वाणी के तहत आने वाले वाईफाई सेवा स्थलों की स्थापना, रखरखाव और संचालन करने का कार्य करेगा, साथ ही उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा भी प्रदान करेगा। अगला, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ये PDOs को प्राधिकार और लेखांकन जैसी एग्रीगेशन सेवाएं प्रदान करता है। ऐप प्रदाता यानी ऐप प्रोवाइडर, ये उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने और इंटरनेट सेवाओं तक पहुंचने के लिए PM वाणी संचालित वाईफाई हॉटस्पॉट को खोजने हेतु एक एप्लीकेशन विकसित करता है। और साथ ही सेंट्रल रजिस्ट्री, ये ऐप प्रदाताओं PDOAs और PDOs का विवरण रखती है। वर्तमान में इसका रखरखाव सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT द्वारा किया जाता है। खबर के आखिर में समझते हैं PM वाणी को लेकर चिंताओं के बारे में। सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का व्यापक नेटवर्क साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों के प्रति संवेदनशील है। निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करने से उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट टैरिफ बढ़ सकता है और इंटरनेट कनेक्शन की गति धीमी भी हो सकती है। चलिए अब रुख करते हैं चौथी मुख्य खबर का। भूमि संसाधन विभाग ने असम में भूमि अभिलेख प्रबंधन पहलों की शुरुआत की। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरू की गई पहलों के बारे में। पूरे असम में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। ये सिस्टम देश भर के पंजीकरण विभागों के लिए विकसित एक कॉमन और जेनेरिक एप्लीकेशन है। इसे वन नेशन वन सॉफ्टवेयर पहल के तहत विकसित किया गया है। अगली पहल है विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या।
ये एक 14 अंकीय पहचान संख्या है जो प्रत्येक भूखंड के अक्षांश और देशांतर निर्देशांकों यानी अवस्थिति के आधार पर सृजित की जाती है। असम के दरांग जिले में ब्लॉकचेन इन लैंड रिकॉर्ड्स को पायलट आधार पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेख प्रबंधन के क्षेत्र में बदलाव लाना है। खबर में आगे बढ़ने से पहले ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। इसमें डेटा और लेन देन को ब्लॉक्स में भंडारित किया जाता है। ब्लॉकचेन को क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिदम का उपयोग करके किसी अन्य द्वारा छेड़छाड़ करने से रोका जाता है। खबर में वापस लौटते हैं और भारत में भूमि अभिलेख के प्रबंधन में मौजूद समस्याओं पर भी एक नजर डालते हैं। वर्तमान में भारत में भूमि स्वामित्व व्यवस्था भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के पंजीकरण पर आधारित है। इसे विक्रय विलेख यानी सेल डीड कहा जाता है। इसमें मान लिया जाता है कि भूमि का स्वामित्व किसी और को हस्तांतरित हो गया है। सरकार इस स्वामित्व की गारंटी प्रदान नहीं करती है। संपत्ति से जुड़े अभिलेख के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं, जैसे कि भूमि संबंधी मूल दस्तावेजों की नकली कॉपी तैयार करना एवं उनसे हेरफेर। इस तरह की समस्याएं बहुत आम हैं। इससे जुड़े कुछ अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे कि अदालतों में बड़ी संख्या में भूमि संबंधी विवाद लंबित हैं, भू संपदा की दोहरी बिक्री के मामले सामने आए हैं और भूखंड का विशिष्ट अभिलेख भी नहीं है। खबर के आखिर में अब समझते हैं भूमि अभिलेख के प्रबंधन में ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग के बारे में। ये तकनीक भूमि अभिलेख में किसी प्रकार की छेड़छाड़ को रोकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लॉकचेन तकनीक केवल भूमि स्वामित्व के हस्तांतरण संबंधी लेन देन को रिकॉर्ड करने एवं वितरित करने की अनुमति देती है, उसमें एडिट नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें भूमि अभिलेख का केंद्रीकृत डेटाबेस रखा जाता है। इसे सभी विभाग प्राप्त कर सकते हैं। इससे सब्सिडी वितरण, बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी जैसे कार्य तेजी से किए जा सकते हैं और संपत्ति के पंजीकरण का ब्लॉकचेन डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। ऐसे में भूमि अभिलेख की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए गैर विश्वसनीय कर्मियों या एजेंसियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। अब रुख करते हैं पांचवें मुख्य खबर का। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उचित मूल्य की दुकानों यानी FPS के कायाकल्प पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार FPS वे दुकानें हैं जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक कमोडिटी वितरित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। ऐसा लाइसेंस आवश्यक वस्तु अधिनियम ECA 1955 की धारा 3 के तहत एक आदेश द्वारा जारी किया जाता है। ECA आम जनता के हित में कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और व्यापार के नियंत्रण को विनियमित करने का प्रावधान करता है। TPDS को 1997 में शुरू किया गया था। ये गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराने का प्रावधान करती है। सबसे पहले समझते हैं FPS से जुड़े मुख्य मुद्दों के बारे में। खाद्यान्नों को वास्तविक लाभार्थियों को वितरित करने की बजाय व्यापारियों को बेच दिया जाता है। दुकानदारों के लिए उचित मूल्य की दुकानें आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है आदि। FPS के कायाकल्प के लिए की गई सिफारिशें कौन सी हैं? चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों MSMEs द्वारा उत्पादित गैर PDS कमोडिटी जैसे खादी और आयुष उत्पादन की FPS के माध्यम से बिक्री बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। सभी राज्यों में मॉडल FPS की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक निगरानी सेल का गठन किया जाना चाहिए। NFSA के तहत स्थापित सतर्कता समितियों के कामकाज में सुधार की आवश्यकता है। सतर्कता समितियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य, जिला, ब्लॉक और FPS स्तर पर गठित किया जाता है। इसके गठन का उद्देश्य TPDS के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों की पारदर्शिता व जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।
राशन के प्रभावी तरीके से वितरण के लिए सभी ईपीओज मशीनों का वजन करने वाली मशीनों से कनेक्शन एवं सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए अब समझते हैं एफपीएस के तहत कायाकल्प हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में। कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके तहत लगभग 43,000 एफपीएस को सीएससी के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाया गया है। सीएससी अलग अलग B2C एवं G2C सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक्सेस पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं। इस ओर अगला प्रयास है वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से मुद्रा ऋण। इसे पूंजी में वृद्धि एवं व्यवसाय के विविधीकरण के लिए शुरू किया गया है। तीसरा प्रयास है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। लगभग 3,200 एफपीएस को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाया गया है। ये बैंकिंग वित्तीय एवं डाक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और चौथा प्रयास है गैर पीडीएस कमोडिटी की बिक्री। टीपीडीएस नियंत्रण आदेश 2015 एफपीएस के माध्यम से गैर पीडीएस कमोडिटी की बिक्री की अनुमति देता है। एफपीएस में पारदर्शिता और इनके सुचारू रूप से संचालन हेतु भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि एफपीएस के सुचारू और पारदर्शी तरीके से कामकाज के लिए एफपीएस का ऑटोमेशन, टीपीडीएस परिचालन का एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आदि। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। एक संसदीय समिति ने खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के निर्माण और विस्तार योजना CEFPPC पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस योजना को साल 2017-18 में शुरू किया गया था। ये योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक घटक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक अम्ब्रेला योजना है। इसमें 8 योजना घटक शामिल है। इनका उद्देश्य देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के निर्माण और विस्तार योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। इस योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, उनका विस्तार और आधुनिकीकरण करना और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के स्तर और मूल्य संवर्धन को बढ़ाना तथा फसलों की बर्बादी को कम करना है। इसके तहत अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान अलग अलग रूपों में दिया जाता है, जैसे कि सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% तक और दुर्गम क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 50%। इसके वित्त का उपयोग कैसे होता है, इस बारे में भी समझते हैं। मेगा फूड पार्क या कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के अंदर की इकाइयों के लिए 60% तक तथा MFPs या APCs के बाहर की इकाइयों के लिए 40% तक इस वित्त का उपयोग किया जाता है। और साथ ही इसका क्रियान्वयन केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों FPOs, SHGs, सहकारी समितियों आदि जैसे संगठनों के माध्यम से होता है। अब समझते हैं इस योजना से संबंधित चुनौतियों के बारे में। राज्य सरकार परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी करती है। योजना की जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जो योजना के लिए पात्र नहीं होती हैं। धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कई पात्र परियोजना संबंधी प्रस्ताव भी लंबित पड़े रहते हैं। और अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय उपयोजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटित धन का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। खबर के आखिर में समिति की मुख्य सिफारिशें कौन सी हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। योजना के तहत संभावित आवेदकों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों या जानकार व्यक्तियों की मदद ली जानी चाहिए। वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन के साथ साथ योजना से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं एवं क्रियान्वयन के स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि झारखंड, गोवा, पौंडीचेरी, लद्दाख आदि में MFPs या APCs नहीं है, वहां पर खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के निर्माण या विस्तार योजना का संतुलित तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है रवांडा। इस देश की राजधानी है किगाली।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रवांडा की सेना पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों सहित आधुनिक हथियारों का उपयोग कर रही है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये एक भू आबद्ध देश है, साथ ही ये पूर्व मध्य अफ्रीका में भू मध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में युगांडा, पूर्व में तंजानिया, दक्षिण में बुरुंडी और पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लगती हैं। आखिर में बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इस देश का उच्चतम बिंदु है विरुंगा रेंज में माउंट कारिसिम्बी। इस देश की प्रमुख झीलें हैं किवू, मुहाजी, रुहोंडो, मुगेसेरा आदि, और प्रमुख नदियां हैं अकागेरा, अकान्यारू एवं मुकुंगवा, और रुबिरु, रुहवा और रुसीजी। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। हाल ही में जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने वाइमर ट्रायंगल को फिर से सक्रिय करने के लिए आपस में भेंट की है। वाइमर ट्रायंगल एक क्षेत्रीय समूह है, इसका गठन 1991 में किया गया था। असम सरकार ने काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया है। ये फल अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य संबंधी लाभों के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में होरी हब्बा खेल के दौरान रिपोर्ट की गई हताहतों की संख्या खेलों में जानवरों और मनुष्यों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में नॉर्थ ईस्टर नाम से एक प्रबल तूफान ने दस्तक दी है। आमतौर पर यह तूफान उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर आता है। शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 25 करोड़ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी बनाई है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क NCRF के अनुरूप पेश किया गया है। केंद्र ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। ये मुफ्त बिजली के लिए घरों की छतों पर यानी रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाने की योजना है। हाल ही में चीन की मैगलेव ट्रेन ने 623 किलोमीटर प्रति घंटे के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मैगलेव एक प्रणाली है, इसमें वाहन या ट्रेन गाइडवे से हवा में थोड़ा ऊपर गमन करती है। चीनी वैज्ञानिकों ने स्टर्लिंग इंजन द्वारा संचालित एक नवीन हाई पावर्ड माइक्रोवेव हथियार बनाया है। स्टर्लिंग इंजन एक बाह्य दहन इंजन है। ये इंजन तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए संपीड़न और प्रसरण के सिद्धांत पर काम करता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।